दोस्तों, हमारे देश का जो चुनाव आयोग है ना, उसका केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत सम्मान है। जब भी किसी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है या किसी देश में चुनाव में तैयारी की उस देश को ज़रूरत होती है या वो सीखना चाहता है, समझना चाहता है कि निष्पक्ष और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ आप कैसे चुनाव करा सकते हैं, हमारे देश के चुनाव आयोग की ना केवल तारीफ होती है बल्कि बुलाया जाता है। हमारे देश के चुनाव आयोग कई देशों की में दौरे पर गए हैं और उनको बताया है कि देखिए ऐसे चुनाव आप करा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में चुनाव होते हैं और बिना किसी हिंसा के चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद वोटों की गिनती होती है और हर पार्टी चाहे वो जीते चाहे वो हारे उसको स्वीकार करती है। हाल के सालों में लेकिन ये सब कुछ बदला है दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी बाहर आई और जो नतीजे थे उसकी शाम को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने एक दो नहीं, कई सीटों को लेकर चुनाव आयोग के पास लिखित शिकायत दी और बताया कि कैसे चुनाव में काउंटिंग के दौरान धांधली हुई, और चुनाव आयोग से ये भी कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वो ईवीएम मशीनें जो 2-3 दिन से बंद पड़ी हैं उनमें 99% चार्ज था, और इसके अलावा भी बहुत से आरोप चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लगाए। दोस्तों, अब उन तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है। इस जवाब के बारे में आप क्या सोचते हैं, जवाब कितना सही कितना गलत, इसका मूल्यांकन आप ही कीजिएगा, लेकिन मैं आपको उस जवाब के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, हुआ ये था, दोस्तों आपको याद होगा, चुनाव आयोग पर हरियाणा विधानसभा चुनावों में काउंटिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ये डर पैदा किया था, आशंका पैदा की थी कि कई ईवीएम्स की जो बैटरी थी वो 99% मिली थी और मशीनों के साथ शायद छेड़छाड़ की गई, क्योंकि वोटिंग खत्म होने के बाद जब मतगणना के लिए ईवीएम खुली तो वैसे भी उसमें चार्ज कम होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि जिन जिन ईवीएम में 99% मिली थी, छप्पड़ फाड़ के उन ईवीएम की वजह से भाजपा को वोट मिले, और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अब चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि आपने जो आरोप लगाए हैं इसमें कोई दम नहीं है। यही नहीं, बाकायदा एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी पर और ये कहा है कि आपके जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बकायदा कांग्रेस पर सामान्य संदेह फैलाने के लिए आड़े हाथों लिया है। मतलब चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी से कह रहा है कि आप संदेह पैदा कर रहे हैं, लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं इस तरह की बातें बोल के, और चुनाव आयोग ने कांग्रेस को इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए दृढ़ और ठोस कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की अपील रोकिए, आप ठोस कदम उठाइए इसके खिलाफ। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी से अपील करते हुए कहा है कि मतदान और मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से सार्वजनिक अशांति अराजकता पैदा हो सकती है। तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इस तरह के आरोप अगर आप लगाएंगे तो सार्वजनिक तौर पर अराजकता और अशांति पैदा हो सकती है, क्योंकि जो वोटिंग का दिन होता है और जो काउंटिंग का दिन होता है दोनों दिन बहुत ही सेंसिटिव दिन होते हैं। बाकायदा इसके लिए चुनाव आयोग ने उदाहरण दिया है, और चुनाव आयोग ने कहा है कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया का प्रत्येक चरण दोष रहित था, पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग का पूरा कार्यक्रम था, और कांग्रेस उम्मीदवार या एजेंटों की निगरानी में किया गया था। 26 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की गहनता से फिर से सत्यापन किया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग का कहना है कि उसने ये जवाब दिया है, और सभी शिकायतों पर चुनाव आयोग के अधिकारियों से कांग्रेस को 1600 पन्नों का जवाब मिला है। मतलब 1600 पन्नों का लंबा चौड़ा जवाब चुनाव आयोग ने दिया है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था उस वक्त भी चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया था, तो चुनाव आयोग ने कहा था कि इस मामले में हम जवाब देंगे। सुनिए चुनाव आयोग ने क्या कहा था। 6 महीने लगभग 5-6 महीने फर्स्ट FLC शुरू होती है ईवीएम की। मैं दो बात बता रहा हूँ, बस मोटी सी दो बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, दो बात मोटी मैं आपको बताता हूँ, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले FLC होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द EVMs, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी EVM की शिकायतें वाई दी वे आई हैं वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं,
हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे फैक्ट बाय फैक्ट. सो इसमें कोई डाउट नहीं है. वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी. एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे. तो आई एम नॉट गोइंग इन इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए. बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रेंडमाइजेशन, सेकेंड रेंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना. इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं. जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है. पहले और बहुत सारी चीज़ें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ कुछ हो सकता है. ये पहली बार आया. अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं. मतलब कितनी बार. एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना. वोटिंग से करीब करीब पाँच या छः दिन पहले कमीशनिंग होती है. पाँच छः दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं. तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं. छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता. हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो. और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि पांच ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, तीन लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, तीन लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है, ऑब्जर्वर होंगे. उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा. यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे, इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी. फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 ठीक है कि नहीं है. किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे. किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज. फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ. बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया, उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए कोई एक प्रोसेस कंपेरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस. दोस्तों, कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में बेहद अनियमितताएं और गंभीर तौर पर गलतियों के आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर. हरियाणा की ये जो विधानसभा क्षेत्र थे, ये था नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंदरी, बड़खल, फरीदाबाद, NIT, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर. इन विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें इकट्ठा की थी कांग्रेस ने, और उसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत की थी, और अब चुनाव आयोग ने इस मामले में जवाब दिया है. आपको चुनाव आयोग का जवाब कितना संतुष्ट करने वाला लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें.